लालू जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, क्या एक्सपीरियंस? देखिए ये सब बोलने में तो बहुत विवाद हो जाएगा ना, हम विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मेरा किसी से कोई विरोध ही नहीं है, हमारे नीतीश जी से भी अच्छे ही संबंध थे और लालू जी के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारे लालू जी से बहुत अच्छे थे और लालू जी को मैं बहुत ही जिंदा दिल मस्त इंसान मानता हूँ। उनके बारे में बहुत ही सब किमतियाँ चलती हैं कि ऐसे बेइज्जत करते थे, तब से उनसे खैनी बनवाते थे, कोई एक उदाहरण दे दे कि लालू जी ने किसी अधिकारी को अपमानित किया हो, किसी आईएएस आईपीएस अफसर को सस्पेंड करके उसको प्रोसीडिंग करके और उसका पीछा, उनको जो गाली देते थे लोग उनका भी नुकसान कभी लालू यादव ने नहीं किया, पसंद नहीं किया, पोस्टिंग नहीं अच्छी दी, ये बुरा नहीं किया, तो हमारा तो लालू जी से बहुत अच्छा संबंध था। नीतीश जी तो हमको मुख्य डीजीपी ही बनाए थे, तो अच्छा नहीं रहता तो बनाए कैसे होते, मंत्री नहीं बनाए किसको, आपको कहां हम बोले थे कि हमको मंत्री बना दीजिए, लोगों ने चलाया था, लोग चलाते रहते मीडिया में चला था। कहां मैंने कहा था कि हमको मंत्री बना दीजिए, और ये कैसे जानते हैं कि वो नहीं बनाना चाहते, हो सकता हम नहीं बनना चाहते होंगे, चीजें बदल गई हों। पर आपने दो बार वीआरएस लिया? हाँ मैंने दो बार लिया, पहली बार फिर वापस आ गए? हाँ आ गए, 9 महीने के बाद आ गए, 2009 में लिया था, दूसरी बार अभी लिया था, 2020 में लिया था, दोनों बार राजनीति करने के लिए लिया था, दोनों बार चुनाव लड़ने के लिए लिया था, क्योंकि उस समय रजोगुणी चेतना मेरी थी, मुझे लगता था अगर राजनीति पे जाकर के नेता होकर के हमको जनता की सेवा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ से मैं जनता का बहुत ज़्यादा काम कर पाऊँगा, तो उस रजोगुणी चेतना में मैंने दो बार ये निर्णय लिए, लेकिन दोनों बार प्रकृति ने मुझे पटक पटक करके वहाँ से हटाया, कहा ये तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है, ठोक ठोक करके जिधर मैं जानता जाना चाहता था उधर से मोड़ करके हमको पकड़ा दिया कि ये तुम्हारा रास्ता है।